डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आपसे भी अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ओके, एंड दिस वर्नियर कैलिपर्स वाज डिवाइज्ड बाय पियरे वर्नियर। पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर वाज फ्रेंच मैथमेटिशियन, एंड पियरे वर्नियर डिवाइज्ड दिस वर्नियर कैलिपर्स इन 1630, ओके। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्नियर कैलिपर्स कंजिस्ट ऑफ टू स्केल। वन स्केल इज मेन स्केल एंड अदर इज द वर्नियर स्केल। दिस इज वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ओके। तो पहले हम लोग इसके मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो ये है आपका, ये देखिए इधर, ये फिक्स्ड जॉ है, फिक्स्ड जॉ, एंड दिस इज कॉल्ड मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ। और इसी के साथ वर्नियर स्केल जुड़ा रहता है, फिक्स के साथ मेन स्केल जुड़ा रहता है। ये बीच में देखिए, आपको लग रहा होगा कि कटिंग है, ये कटिंग नहीं है, ये पूरी ग्रेजुएशन दिखाई नहीं गई है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक दिखाया गया है। लेकिन ये सही मायने में कंटिन्यूड है, इसलिए ये ब्रेक दिखाया गया है, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, ओके। और ये देखिए आपका स्ट्रिप है, स्ट्रिप, स्ट्रिप, सपोज दिस इज टी हियर, ओके। और देखिए ये पी क्यू, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ इन साइड जॉ कहलाता है, इन साइड जॉ, ठीक है, इन साइड जॉ। और ये दोनों एक साथ आउटसाइड, आउटसाइड जॉ ये कहलाएगा। तो मान लीजिए कि मेन पार्ट्स में आपका, पहले मैं ले रहा हूं इनसाइड जॉ, इनसाइड जॉ, इसका फंक्शन क्या होगा इनसाइड का? जैसे देख लीजिए, ये आपका कैप है, इस कैप में दो डायमीटर है, एक आपका इंटरनल डायमीटर है और एक एक्सटर्नल है, ये बाहर वाला। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये देखिए आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें एक अंदर का डायमीटर और एक्सटर्नल बाहर का। तो इंटरनल डायमीटर अगर आपको निकालना है या इंटरनल रेडियस, तो उस केस में आप इनसाइड जॉ इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, ये जॉ को इसी होल में आप इंसर्ट कर देंगे, तो आपको इंटरनल डायमीटर मिल जाएगा। एक्सटर्नल के लिए आप ऐसे ही रख देंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे और ये दोनों जॉ को कंसाइड कराएंगे, इस तरीके से कंसाइड कराएंगे ये फर्मली ग्रिप हो जाए एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी कैप का इंटरनल निकाल लिया इनसाइड इस्तेमाल करके, एक्सटर्नल डायमीटर आउटसाइड जॉ इस्तेमाल करके, अगर इस कैप की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ यहां से यहां तक, तो आप आउटसाइड जॉ का इस्तेमाल करेंगे, इसके बीच रखेंगे, ओके। अगर इस कैप की आपको डेप्थ निकालनी है, ठीक है, इस स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप देखिए इनसाइड जॉ टू मेजर क्या इंटरनल, इंटरनल डायमीटर, ठीक है। अब जिस डिवाइस
जिस डिवाइस में या मान लीजिए ऑब्जेक्ट में इंटरनल डायमीटर होगा उसकी बात होगी, जैसे कैप में इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल निकालेंगे। ओके, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अगर आपको और कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पे हॉलो वर्ड जोड़ दीजिए, हॉलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अच्छी बात है, मान लीजिए आपको आउटसाइड जॉ इस्तेमाल करना है, आउटसाइड जॉ, तो टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर किसकी, ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भी देखिए, जैसे कैप का आप लेंथ भी निकाल सकते हैं, पहले ही बताया गया है। मान लीजिए कोई सॉलिड बॉब आपके पास है, तो उसका आप जो है सो कि निकाल सकते हैं, सॉलिड बॉब का डायमीटर। टू मेजर द डायमीटर ऑफ सॉलिड बॉब। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए मेन स्केल की मैं बात कर रहा हूं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, थर्ड, मेन स्केल, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे एमएस, टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और वर्नियर स्केल, ये स्केल वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, वर्नियर स्केल को हम लोग शॉर्ट में वी डॉट एस से डिनोट करते हैं। टू मेजर लेंथ, आप लेंथ यहां भी जोड़ सकते हैं, बेटर रहेगा, लेंथ करेक्ट अप टू, करेक्ट अप टू व्हाट, 0.1 mm, और वी कैन से 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोर्थ आपका स्ट्रिप है, स्ट्रिप, टू मेजर डेप्थ, डेप्थ ऑफ ए बीकर मान लीजिए, बीकर, या जैसे अभी हम नहीं बताए थे कि इसका आप डेप्थ मेजरमेंट कर सकते इस कैप का। उसके बाद देखिए हम लोग फिफ्थ जो बात कर रहे हैं, सिक्स्थ, नॉट फिफ्थ, ये है आपका स्क्रू, एस इज द स्क्रू, स्क्रू का क्या फंक्शन है, इट इज यूज टू मूव, मूव और वी कैन से स्लाइड, स्लाइड ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, स्लाइड द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल इस पे ऑन द मेन स्केल,
मेन स्केल टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इधर उधर एंड टू फिक्स्ड इट, इट से क्या सेंस है, वर्नियर स्केल से सेंस है, कब डूरिंग डूरिंग आवर डिजायर, जब हम चाहेंगे तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं स्पेशली रीडिंग के समय। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वर्नियर कॉन्स्टेंट, वर्नियर कॉन्स्टेंट। किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट उस डिवाइस के द्वारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है विच कैन बी टेकन एक्यूरेटली। पियरे वर्नियर ने ये बोला कि अगर हम एन डिवीजन ले लें, वैल्यू ऑफ एन VSD stands for vernier scale division equal to value of n minus 1 main scale division, तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, वैल्यू ऑफ एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए, अगर आप वन वीएसडी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाय n MSD, ठीक है। अगर वन मेन स्केल डिवीजन, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, कहीं भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ये कितना होगा, ये 1 मिलीमीटर होगा डेफिनेटली, ये 1 मिलीमीटर होगा। यहां पे क्या है, n माइनस वन अपॉन n MSD है, तो 1 मिलीमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें n माइनस वन अपॉन n में, तो हमें क्या मिलेगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाय n मिलीमीटर। अब देखिए, लिस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एल डॉट सी इज द सिंबल फॉर द लिस्ट काउंट, जिसे हम लोग वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कॉन्स्टेंट, ठीक है। लिस्ट काउंट के लिए वैल्यू ऑफ वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन ये है, ये है आपका 1 MSD, ये कितना 1 मिलीमीटर माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD कितना है, वैल्यू ऑफ 1 VSD ये n माइनस 1 अपॉन n मिलीमीटर, ये सिंपल माइनस है, आप जब माइनस कर लेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से आएगा, एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन मिलीमीटर। तो ये सही मायने में कितना आया, ये आया आपका 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई एन आ गया। अब ये सोच रहे होंगे कि आप 1 मिलीमीटर क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वन
स्मॉल मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कहाँ पे ऑन वन ईयर स्केल, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। अब देखिए जब भी आपको लिस्ट काउंट निकालना होगा तो आप बेटर है कि आप इसका इस्तेमाल करिएगा, इसका इस्तेमाल करिएगा, बेटर है, इट इज बेटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिजल्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट है पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल होगा, पर्टिकुलर केस, लेकिन ये रिजल्ट इन जनरल इस्तेमाल होगा, इन जनरल, ओके, ये ध्यान देना है। अब मैं बात करूंगा जीरो एरर का, फटाफट एरेज कर दे। जीरो एरर वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही देख लीजिए, जीरो एरर मतलब ऐसा एरर जिसका कनेक्शन जीरो से हो, एरर रिलेटेड टू जीरो। अब जीरो वर्ड मतलब मेन स्केल का जीरो और वन ईयर का जीरो, तो मैं अब बात कर रहा हूं जीरो एरर का, जीरो एरर जिसका सिंबल जे डॉट ई होगा। अब देखिए ऑन ब्रिंगिंग बोथ जॉज टुगेदर, बोथ मैंने कौन कौन, बोथ मतलब कि फिक जॉ एंड मूवेबल जॉ, मूवेबल, मूवेबल जॉ, ऑन ब्रिंगिंग बोथ जॉज टुगेदर इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल coincide each other, then in that case we say that vernier calipers has no zero error, otherwise it has the zero error। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों जॉ देखिए, ये कौन साइड है, ये जॉ और ये जॉ, वर्नियर का जीरो मेन स्केल का जीरो एक सीधी लाइन में है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर दो टाइप का होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे प्लस बीई, पॉजिटिव जीरो एरर, और सेकंड नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर जिसे हम लोग शॉर्ट में माइनस बीई, ये सिंबल किसके लिए, नेगेटिव वर्ड के लिए, ये नेगेटिव वर्ड के लिए माइनस बीई, पॉजिटिव वर्ड के लिए प्लस बीई, और जीरो एरर के लिए जेड डॉट ई। तो अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है तो आप क्या करिएगा, आप लगाइएगा प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट, नेगेटिव निकालना है तो माइनस लगाइएगा, एन माइनस पी इंटू लिस्ट काउंट करिएगा। अब सब मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये देखिए इधर पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, ओके, देखिए ऑन ब्रिंगिंग बोथ जॉज टुगेदर, बोथ मींस मूवेबल एंड फिक्स्ड, on bringing both jaws together, what we will do, we will observe the zero mark of main scale and vernier scale, okay, what is the condition of zero mark of both scale, then we will decide that the error is positive or negative. If zero mark of vernier scale lies right of the zero mark of main scale, then it is called positive, positive zero error,
और कैसे निकालते हैं, प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट, ये प्लस लगा दिया। पी देखिए क्या है, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ एनी मार्क ऑफ मेन स्केल। अब देखिए यहां पर जीरो मार्क किधर है, ये जीरो मार्क ऑफ वर्नियर जो है जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल के राइट की तरफ है। कॉन्साइडिंग डिवीजन देखिए, ये कॉन्साइड कर नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है, हाँ ये कर रहा है, ये देखिए यहां से देखिए, ये देखिए ये वाला मार्क कर रहा है, देखिए मतलब 1 2 3 4 देख रहे हैं ना, तो मतलब p की वैल्यू 4 हो गया। और लिस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, ये देखिए लेफ्ट, ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे ज्यादा क्लियर होगा। इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, तो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं नेगेटिव जीरो एरर। कैसे निकालेंगे, n, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, देखिए इधर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी देखिए 1 डिवीजन, ये देखिए ये 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू 10 है। ये हम लोग अपनी केस की बात कर रहे हैं, जो हम लोग वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं उस वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है। ये इससे अलग भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो इसके लिए वरिड नहीं होना है। अब देखिए एन की वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस पी कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कैसे देखेंगे, ये देखिए ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये 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 देखिए यहाँ पे आपका ये कर रहा है, ये देखिए ये वाला ये कौन साइड कर रहा है, नंबर इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 0.01 लिस्ट काउंट सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 7। हाँ एक बात और बच्चों, यहाँ पे माइनस रहेगा पहले नेगेटिव के चलते, तो माइनस 10 माइनस 7 3, तो ये हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो ये देखिए एरर की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें जो सॉलिड बॉब है उसका आपको डायमीटर मेजरमेंट करना है, या फिर ये कैप है कैप का इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करना है या एक्सटर्नल करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग करते क्या है कि जिस किसी भी डिवाइस का मेजरमेंट करना है, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे इंटरनल डायमीटर हो, या तो एक्सटर्नल डायमीटर हो, या तो लेंथ हो, तो हम लोग आउटसाइड जॉ के बीच में, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, ठीक है, और अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट करना है या किसी सॉलिड बॉब का डायमीटर मेजरमेंट करना है तो आउटसाइड जॉ इस्तेमाल करिएगा, अगर कैप का इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करना है तो इनसाइड इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, क्लियर है सब चीज। अगर मान लीजिए बीकर का आपको डेप्थ मेजरमेंट करना है तो स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम लोग उसके बाद ये देखेंगे कि मेन स्केल का रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेंथ मेजरमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, या मैं ये बात कर रहा हूं ऑब्जर्व रीडिंग का, ऑब्जर्व रीडिंग, देखिए ऑब्जर्व रीडिंग कुछ और नहीं है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व रीडिंग। आप कैसे निकालिएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर निकालने के लिए पी इंटू लिस्ट काउंट करेंगे।
अगर आपको ट्रू रीडिंग चाहिए, या इसको हम लोग एक्चुअल भी बोलते हैं, एक्चुअल, या इसको हम लोग करेक्ट भी बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है, रीडिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन, मतलब कि एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब देखिए ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, एम एस आर प्लस बी एस आर, एंड दैट इज एम एस आर प्लस पी इनटू लिस्ट काउंट। इट मीन्स दैट ट्रू रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग और करेक्ट रीडिंग कैन बी रिटेन एज एम एस आर प्लस वी एस आर माइनस जीरो एरर विथ साइन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जीरो एरर है तो इसको आप कंसीडर करिएगा, अगर नहीं है तो आप केवल एम एस आर प्लस पी एस आर कंसीडर करिएगा, ठीक है। चलिए मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूं, देखिए क्या बोल रहा है। एंड डिवीजन ऑन मेन स्केल, नंबर डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कॉइंसाइड विथ एन प्लस वन डिवीजन ऑन द वी एस वर्नियर स्केल। इफ इस डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट, इट मीन दैट चिल्ड्रेन इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवेन वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन, वी आर डूइंग सॉल्यूशन, ओके, दैट इज ए यूनिट। एंड अदर थिंग चिल्ड्रेन, एन प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एन एम एस डी मेन स्केल डिवीजन, एंड वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन इज व्हाट, सॉरी, वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन इज व्हाट, ए यूनिट। इट मीन्स दैट चिल्ड्रेन दिस कैन बी रिटेन एज एन ए, ओके, एन मेन स्केल डिवीजन ना, इट मीन्स दैट दिस कैन बी रिटेन एज एन इन टू वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन इज ए यूनिट, एन इन टू ए, ओके, एन ए यूनिट, ओके। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, नाउ अगेन वी कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ एन प्लस वन वी एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वन वी एस डी एंड दैट विल बी एन ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन यूनिट, ओके, देयरफॉर लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन एंड दैट इज ए यूनिट माइनस वैल्यू ऑफ वन वी एस डी दिस वन दैट इज एन ए अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन विल बी द एलसीएम, इट मीन्स हियर वी विल राइट एन ए प्लस ए माइनस एन ए, ओके, यूनिट, एन ए कैंसिल, इट मीन्स वी विल गेट हियर ए अपॉन एन प्लस वन यूनिट, दिस विल बी द आंसर चिल्ड्रन, ओके, इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। नाउ
दिस वन आई एम गोइंग टू सॉल्व। तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड करिए, मैं इरेज कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन दैट इज 1 मिलीमीटर, इट इज गिवन द क्वेश्चन। एंड ऑल्सो चिल्ड्रेन वैल्यू ऑफ 20 1 ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 16 मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल मेन स्केल डिवीजन इज व्हाट 1 मिलीमीटर। इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 16 मिलीमीटर। ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 VSD 1 ईयर स्केल डिवीजन 16/20 मिलीमीटर 4 में 5 से डिवाइड करिएगा 0.8 मिलीमीटर आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट निकाल लीजिए, देयरफॉर लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD। ठीक है, अब देखिए 1 स्मॉल मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को आप 1.0 mm भी लिख सकते हैं माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD 0.8 मिलीमीटर जो कि आपका आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। ओके, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, और भी क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको करने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स हैज 20 डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आप देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना इक्वल पार्ट है, 20 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन 1 स्मॉल MSD की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना पार्ट है, 20 पार्ट है, तो एक इक्वल पार्ट कैसे निकालेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, मान लीजिए डिवाइड करने आता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में, 25 100 हो गया। ओके, 1 पे कितना 0, 2 0, तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है, 20 डिवीजन है, एन नंबर ऑफ डिवीजंस किस पे ऑन वर्नियर स्केल एंड दैट इज 20। तो देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या करिएगा, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल मेन स्केल डिवीजन माइनस सॉरी नॉट माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन क्या वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन, 20 डिवीजन है। और देखिए वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल मेन स्केल डिवीजन हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे इतना, तो आप लिख दीजिए 0.05
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। आप देखिए इसको भी सॉल्व किया जाए। पहले अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5, और ये नीचे देखिए 20 पहले से है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 0 आपका उतर जाएगा एक्स्ट्रा में, इतना सेंटीमीटर। आप देखिए 2000 को हमको 1000 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2000 5 से करेंगे तो ये 10000 हो जाएगा, तो 5 से ऊपर भी तो करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में आपको 10000 से डिवाइड करना है, 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो 0.0025 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मैं इसको एरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें ऊपर का क्वेश्चन करने जाना। तो देखिए मैं ऊपर का क्वेश्चन करने के लिए इसको एरेज कर दिया, स्पेस अब हम लोग को अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए वाइल मेजरिंग चॉक पीस, दिस इज द चॉक पीस बाय वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग इज हाउ मच, 4.6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, MSR गिवेन 4.6 सेंटीमीटर एंड 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ध्यान दीजिएगा, इज फाउंड टू कंसाइड विथ अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इट मींस स्मॉल पीस गिवन हियर कंसाइडिंग डिवीजन 6। ओके, लीस्ट काउंट इज गिवेन 0.01 सेंटीमीटर एंड 0 error इज ऑल्सो गिवेन एंड दैट इज नेगेटिव, माइनस लगाए देखिए यहां पर -0.02 सेंटीमीटर। तो हम लोग करना क्या है, लेंथ निकालनी है, किसकी, इस चौक पीस की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ चौक पीस निकाला जाए, लेंथ ऑफ चौक पीस। देखिए MSR प्लस VSR माइनस 0 error विथ साइन से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है, ठीक है। अब देखिए कितना है MSR, 4.6 सेंटीमीटर प्लस VSR, कैसे निकालेंगे, अलग से निकाल लेता हूं VSR। VSR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, P इंटू लिस्ट काउंट था, P कितना 6 है, लिस्ट काउंट 0.01, तो ये 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर जो कि आपका आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे डेटा पोस्ट कर देते हैं 0.06, आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, माइनस 0 error विद साइन माइनस 0.02 सेंटीमीटर, माइनस साइन के साथ रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव 0 error, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इनको आप जोड़ लीजिए ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4.66 हो जाएगा सेंटीमीटर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 0.02 सेंटीमीटर, और इस तरीके से ये 4.68 आ गया। मान लीजिए इसी चौक का आपको रेडियस निकालना होता, ये तो लेंथ निकालना है ना, अगर इसका रेडियस निकालना होता तो आप इसका डायमीटर निकालते, डायमीटर निकाल के हाफ कर लेते, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक अच्छे कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।